ये मेरे साथ खड़े हैं फिजान साहब, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, पब्लिक टीवी के एंकर हैं, रिपोर्टर हैं जी। औरत मार्च वालों ने क्या किया मीडिया वालों के साथ? भाई जान, आज मीडिया वालों की इतनी औकात थी कि औरत मार्च वालों ने ना सबसे पहले तो लाइन में लगा दिया। अच्छा, सब फारग। ये मीडिया वाले जो किसी सियासतदान, किसी पुलिस वाले, किसी वकील को पास भी नहीं आने देते थे ना, औरत मार्च वालों ने आज इनको लाइन में लगा दिया। फिर उसके बाद लाइन में लगाया अपनी मर्जी का लोगों को इन्होंने पास दिए, ठीक है। जो इनके मनपसंद रिपोर्टर थे, जो इनकी फहाशी और उरियानी को की हाँ में हाँ मिलाते थे, अच्छा, उनको इन्होंने पास दिए हैं। अच्छा, जो उसको बेनकाब करते थे, एक तो उनको पास नहीं दिया, दूसरा उनके पुतले बना के ना वहाँ पे लगाए हुए हैं। आपने देखे होंगे बड़े नामवर एंकर हैं वहाँ पर, फारूक शहबाज ब्राइच है, अब्दुल्ला खान है, डेली पाकिस्तान के यासिर शामी साहब हैं, एक यूट्यूब चैनल है मेरा पाकिस्तान, हारिस भट्टी साहब हैं, वाजिद अली एक टीवी है, उनका दाखिला तो बंद बंद है ही है। साथ ही साथ उनके भाईजान उधर पोस्टर लगे हुए हैं, जैसे उन्होंने को मर्डर किया, इन्होंने मुझे भी ब्लैकलिस्ट किया है। और वो ब्लैकलिस्ट करने की वजह ये थी कि मैंने ये सवाल पूछ लिया था कि अगर आपकी हर साल औरत मार्च की एक थीम होती है, हैशटैग असल इंसाफ है, पिछली दफा सेहत पे थी, तो आपके प्ले कार्ड उसको रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते, आपके प्ले कार्ड वल्गर क्यों होते हैं? बस इस सवाल की के जुर्म में मुझे उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया। और मैं पूरी, मुझे 110% यकीन है कि अगले साल मेरा भी पोस्टर इधर लगा होगा और मैंने भी हाथ में बैनर पकड़ के मैं खड़ा होगा। और मुझे यकीन है, मुझे यकीन है ये कुछ शुल्का मुझे कह रहे हैं कि लगा होगा इंशाल्लाह, तो मुझे यकीन है। अच्छा, वहाँ पर ना फरूख भाई एक शिकवा जरूर करते नजर आ रहे थे कि इन्होंने ना मेरी तस्वीर अच्छी नहीं लगाई, तो मैं भी कहूँगा कि अगर मेरा पोस्टर अच्छी लगा है तो तस्वीर लाजमी अच्छी लगाइएगा। और मैं, मुझे अफसोस जिस बात को है ना, और यह मकबूल जान साहब यार, जो सीनियर साहबी हैं, एक बहुत बड़ी मुल्की शख्सियत है और दीनी क्या कहते हैं शख्सियत है यार, उनका पोस्टर लगा दिया यार इमरान भाई, यार मैं हैरान हूँ। चले बाकियों को तो जोड़े वो तो आके और मार्च में कुछ ना कुछ करते होंगे, लेकिन ओरिया साहब का यार लगा दिया, उनका क्या जोड़ा है? हसन हाशमी यार बच गया, उसका अफसोस है मुझे कि वो बच गया। अगले साल लगेगा, क्योंकि लास्ट टाइम शायद आपको याद हो, जब हम हमने किया था, थे हमने किया और हमने हसन हाशमी के ने जितना कवर उसने किया था, किसी टीम ने औरत मार्च को कवर नहीं किया था। लेकिन खैर चले, होता रहता है, ये एक फील्ड का हिस्सा है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि मीडिया की वक्त सिर्फ इतनी रह गई है कि भाईजान औरत मार्च वाले मियां आसिफ साहब आप भी इसमें इन्वॉल्व है, आपको भी लाइन में लगाया उन्होंने, पास नहीं मिला ना आपको भी? नहीं नहीं, तीन चार पास है यार। अच्छा, आपको पास मिल गया? चले, मैंने तो कहा था कि आप हमारे हम भी होंगे तो अगली दफा है ट्रेंड चलाएंगे हमारे साथ आप। पास वाले क्या बात है यार, बंदा खड़े करें। चले जी, पास तो उनको ना आने दें। चले, ये थे हमारे मेरा बहुत प्यारा दोस्त जिसने अपने दुख का जाहिर किया, लेकिन बातें सच्ची कर गया।